हेलो एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वर्ड ऑफ द डे फॉर 11th मई 2020। चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या है। आज का वर्ड है टेपिड। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है टेपिड, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच और ये वर्ड की मीनिंग देखते हैं। ये जो वर्ड है टेपिड, ये एक एडजेक्टिव होता है और इसकी मीनिंग होती है मॉडरेटली वार्म और ल्यूक वार्म। ये जो मीनिंग है इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं टेपिड की मीनिंग है गुनगुना। और इसकी एक और मीनिंग होती है शोइंग लैक ऑफ एंथुजियाज्म। इसकी अगर हम हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं उत्साहहीन। चलिए अब हम इस वर्ड के कुछ यूजेस देख लेते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू। पहला सेंटेंस है द मूवी रिसीव्ड द टेपिड रिव्यूज फ्रॉम द क्रिटिक्स। इसका मतलब है कि मूवी को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले या उत्साहहीन रिव्यूज़ मिले, मतलब कि मूवी अच्छी नहीं थी। जब भी आपको टेपिड रिव्यूज़ के बारे में कहीं मिले पढ़ने को तो उसका मतलब यही होता है कि रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिले। चलिए अब हम देखते हैं इसका एक और यूजेस। द वाटर वॉज टेपिड नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। जो पानी था वो ना तो गर्म था ना ठंडा था, वो गुनगुना था। चलिए अब हम इस वर्ड के कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं डल, माइल्ड, अनएंथुजियास्टिक, माइल्ड। सॉरी, यहाँ पे माइल्ड दो बार आ गया है तो ये एक ही बार होगा। डल, माइल्ड और अनएंथुजियास्टिक, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। चलिए अब हम इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स हैं एंथुजियास्टिक, कीन, कोल्ड, हॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। ये वर्ड काफ़ी यूजफुल है, आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। हम डेली बेसिस पे पानी पीते हैं, आप गुनगुना पानी पीते होगे या चाय पीते होगे, तो उस टाइम आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। चलिए तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और अपनी चैनल पेंडलम ईडीयू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।